हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे डीप वाटर हॉरिजॉन, जो कि एक हॉलीवुड मूवी है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 घंटे 50 मिनट की, और ये नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। और कहानी बेस्ड है ट्रू इवेंट्स पे, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें हो चुकी है। खैर मूवी की कहानी फोकस करती है माइक विलियम्स पे, जो कि चीफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन है बीपी में, यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम में। खैर अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब इस ऑयल ड्रिपिंग रिग में एक बड़ा सा एक्सप्लोशन होता है। अब वो एक्सप्लोशन किस वजह से होता है और इसके बाद वहाँ के क्रू मेंबर्स किस तरह से सर्वाइव करते हैं, बेसिकली ये इस पूरी मूवी की कहानी है। खैर अब बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो भाई जिस तरीके से इस पूरी मूवी को एग्जीक्यूट किया है, यानी कि सीधे शब्दों में बोलो तो जिस तरह से इस मूवी को उन्होंने बनाया है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप पूरी तरह से इस मूवी में घुसे रहते हो। और वो जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है ना, जो टेंशन वाला माहौल है ना, वो आप लोग फील कर पाते हो। और थ्रू आउट द मूवी आप लोग बस यही सोचते हो कि जब ये सारी चीज़ें रियल में हो रही थी तो वहाँ के जो वर्कर्स थे वो उनके साथ क्या बीत रही होगी। और कहीं ना कहीं ये मूवी को देखते दौरान आपके सामने वो सारे विजुअल्स अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, और वहाँ पर इस मूवी के लिए कुछ भी आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं रहते। मूवी की सिनेमेटोग्राफी हाई क्लास है भाई। जो विजुअल्स आप लोग यहाँ पर देखते हो ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और एक अजीब सी फीलिंग होती थी जो सिर्फ वही बता सकता है जो इस मूवी को बैठ के देखेगा। विजुअल ये किसी ट्रीट से कम है नहीं। और मैं जितनी भी मूवीज़ देखी जो डिजास्टर्स पर बेस्ड है, तो ये मूवी उनमें से टॉप 5 में आएगी इसकी सिनेमेटोग्राफी को लेकर। और BGM इसका गजब है भाई। फर्स्ट सीन में जो आपको BGM सुनने को मिलता है, वहीं पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मूवी में हमें आगे किस लेवल का BGM सुनने को मिलेगा। और ऐसा होता भी है। और वहाँ पर जो एक डर आप फील कर पाते हो ना, और जो इमोशंस कैरेक्टर को लेकर फील कर पाते हो ना, वो इसके BGM से आता है। उसके अलावा मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, जिससे आप लोग इजीली उनसे कनेक्ट हो जाते हो। और पूरी टीम, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले राइटर, स्पॉट बॉय, मैंने की पूरी टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई है जो वंस इन अ लाइफ टाइम हमें देखने को मिलती है। और गजब का एक्सपीरियंस था इस पूरी मूवी को देखते दौरान। और अगर मूवी की नेगेटिविटी की बात करें तो यार मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा इस पूरी मूवी के दौरान। और मूवी के एंड में जो रियल हीरोज थे, जो यानी कि वहाँ के वर्कर्स थे जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, उनके फ़ोटोज़ देखने को मिलते हैं, और कुछ पुरानी फुटेजेस भी देखने को मिलती है, जिसे देखने के बाद यार बहुत ही सैड फील होता है। और पैरेंटल गाइडेंस की, तो इस मूवी की स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एडल्ट सीन, एकदम ना के बराबर एडल्ट सीन देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग इजीली स्किप कर दोगे, यानी कि स्टार्टिंग में 5-10 मिनट स्किप कर दोगे, तो उसके बाद आप लोग ये पूरी की पूरी मूवी घर पे बैठ के देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 10 out of 10 बिकॉज ऑफ इस सिनेमेटोग्राफी, बिकॉज ऑफ एडिटिंग, जिस तरीके से इस पूरी मूवी को आगे बढ़ाया, और जो एंडिंग थी, हर एक चीज़ मुझे इस मूवी की बहुत अच्छी लगी। और एक्टर्स का परफॉर्मेंस, चाहे वो मार्क वॉलबर्ग हो या कर्ट रसल हो या डैनियल ओब्रायन, सब लोगों ने अपने हिस्से का रोल बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। ये मूवी आपको मूवी फ्लेक्स में देखने को मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तिलदे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, और ज़्यादा अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तिलदे बाय।